आइए जानते हैं कैसे 10 पुर्जे मिलके एक बल्ब को बनाते हैं, यानी बल्ब के पीछे की इंजीनियरिंग। लेकिन उससे पहले एक रिसर्च से पता चला कि काम करने वाली जगह पर बेहतर रोशनी से 3% एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी जंग के समय हथियार बनाने वाली कंपनी के 30 करोड़ घंटे। एक बल्ब 10 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें ग्लास फ्लेयर, 2 लेडन वायर, ग्लास ट्यूब, 3 मॉलीबेडनम सपोर्ट वायर, टंगस्टन फिलामेंट, फ्रॉस्टेड ग्लास बल्ब और मेटल बेस लगाया जाता है। पहले ये काम गर्म कांच को मुंह से फूंक मारकर फुलाकर किया जाता था, लेकिन अब मशीन हजारों बल्ब एक साथ बनाती है। टंगस्टन की 18 इंच लंबी रॉड से लगभग 5 मील का फिलामेंट वायर जा सकता है, जिसकी मोटाई लगभग हमारे बाल के एक तिहाई तक होगी। सबसे पहले सपोर्ट वायर डालकर ग्लास फ्लेयर को सील किया जाता है। अब एग्जॉस्ट ट्यूब के लोअर एंड को हिट करके बटन की फॉर्म में बदलकर उसमें स्क्रू लगाकर सपोर्ट वायर फिट करने के बाद उन पर फिलामेंट को लगाया जाता है। अब इस बल्ब की गर्दन को निकालकर गर्म करके इसे सील किया जाता है। अब निकाली जाती है इसके अंदर से हवा और डाला जाता है आर्गन और नाइट्रोजन का सही रेशो, और अब फिट होगा इसपे मेटल कैप। फिर टेस्टिंग और पैकिंग करने के बाद उतारा जाता है इसे मार्केट में। 3 भाइयों के द्वारा शुरू की गई भारत की पहली स्वदेशी बल्ब बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था?